भीलवाड़ा में पहली बार टिड्डी दल के आने से किसानों के साथ साथ प्रशासन और कृषि विभाग में हड़कंप मच गया है। आसिन पाटन में कल तक दिखने वाला टिड्डी दल अब बनेड़ा से होता हुआ रायला व साहेबपुरा की तरफ कुछ कर रहा है। ये दल हवा के साथ बराबर हवा की दिशा की ओर बढ़ रहा है। टिड्डी दल के हमले से रजका कपास के पास ही कुछ क्षेत्रों में गन्ने व फूलों और सब्जी की फसलों को टिड्डी दल ने चट कर दिया है। टिड्डी दल के हमले से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही है। जहाँ किसान अपने स्तर पर ढोल नगाड़े और पूजा अर्चना करके इनको भगा रहे हैं, तो वहीं कृषि विभाग की तरफ से फायर ब्रिगेड की मदद से टिड्डियों पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान हंसराज का कहना है कि उन्होंने पूरी जिंदगी इतना बड़ा टिड्डी हमला नहीं देखा है। यदि सरकार ने जल्द इन्हें नहीं रोका तो किसानों को काफ़ी नुकसान कर देगी। मंडल विधायक रामलाल जाट ने कहा कि टिड्डी हमले को आगे बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर हवाई स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि आगे किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। वहीं कृषि विभाग के उपनिदेशक रामलाल खटिक कहते हैं कि हम कल रात से 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से इन पर स्प्रे करवा रहे हैं। इनके साथ ही किसानों के ट्रैक्टरों को भी इसमें काम में लिया जा रहा है। मैं ये टिड्डी दल यहाँ पे अपना डेरा डाला है, उसको हमने पूरी रात दवाई हम छटवा रहे हैं, क्लोरोपारीफास का स्प्रे सब जगह करवा रहे हैं, और अभी भी जो है हमने लोकस कंट्रोल दल के साथ में अभी हम सब जगह मतलब दवाई छटवाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। डिप्टी साहब, कुल कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आपके पास हैं? तो हमारे पास 10 गाड़ियां आ गई है, और 10 ही गाड़ियां लोकस कंट्रोल बोर्ड की है, और हमारे पास जो लोकल जो वो ट्रैक्टर की जो व्यवस्थाएं हुई है उन व्यवस्थाओं से हम हमारे पास दवाई भी अवेलेबल है, और उनको छटवा करके और उनको जो कंट्रोल होगी, घायल भी होगी, बेहोश भी होगी, उड़ना बंद हो जाएगा उनका, और इनका मूवमेंट में बहुत असर करेगी। जिस तरीके से भीलवाड़ा जिले में कल टिड्डी दल प्रवेश किया, इतनी खतरनाक संख्या में है कि लाख करोड़ ही नहीं अरबों की संख्या में है। जहाँ गिर रहा है वहाँ किसान की फसल को बिल्कुल चौपट कर रहा है। रात को इनका मूवमेंट रायला के पास ईरानस खारडा खारडी गाँव ये माधोपुर जोधा जोधरा से खारडी इसके पास था। रात को हमने जिला कलेक्टर से भी बात की है, जिला कलेक्टर ने व्यवस्थाएं भी की है, टीमें फायर ब्रिगेड जितनी प्राइवेट भी गवर्नमेंट की भी सेमी गवर्नमेंट की जितनी थी सारी उनके स्प्रे के लिए भेजी। राज्य सरकार की टीम भी आई है और वो सब तमाम लोग लगे हुए, मैं खुद भी जाके आया हूँ। लेकिन स्थिति ऐसी है कि किसी भी हालत में अधिकारी या इन मशीनों से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कई जगह विलायती बंबूड़ भी हैं। हालांकि किसानों को जागृत किया है, सब जगह पीपे बजा के ढोल बजा के और आग लगा के धुआं करके, लेकिन जहाँ गिरता वहाँ बिल्कुल चौपट कर देता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार केवल एयर स्प्रे करे, ड्रोन से करे, या राज्य सरकार दोनों मिलके इसमें कोशिश कर रही, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो पा रही। तुरंत ही एयर स्प्रे के हवाई स्प्रे के अलावा कोई चारा नहीं है, बाकी ये चौपट कर देगी। पहली बार भीलवाड़ा जिले को टिड्डी इतिहास के बाहर क्रॉस कर रही है, बाकी भीलवाड़ा पहले भी आई हुई लेकिन दम तोड़ देती। अगर यही स्पीड रही तो ये कोटा और एमपी तक चली गई, तो हमेशा के लिए पूरा किसान बर्बाद हो जाएगा। अरे मोमेंट इतना खतरनाक, इसलिए स्वतंत्र भारत में के इतिहास में पहली बार टिड्डी, इतना बड़ा टिड्डी दल है, ये करीब 10 किलोमीटर एरिया में है, जो कि इनानी खेड़ा जोधड़ास पूरे सरेड़ी बांध का जो पेटा क्षेत्र है वो, और उसके आगे इधर हीराखेड़ी झोंपड़ियाँ मोतीबोर का खेड़ा और खारड़ा इस पूरे और इनास तक के पूरे क्षेत्र में है। वो अभी वर्तमान में अपना जो मूवमेंट है वो रायला और लांबिया की दिशा में यहाँ से मूवमेंट कर चुका, चूँकि हवा इधर से चल रही है, और बहुत बड़े खतरे से आगाह कर रहा हूँ कि अगर ये टिड्डी दल कोटा और बूंदी और ये जो सरसब जिला का है जहाँ की हरियाली ज़्यादा है, अगर उस क्षेत्र में ये चला गया तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। अतः राजस्थान सरकार और भारत सरकार से निवेदन है कि अगर हवाई स्प्रे इस पर किया जाए तो ही ये समस्या का समाधान हो सकता है।